गम तो मुझको होगा, मैं रो लूंगा। दिल तो मेरा टूटेगा, समझ लूंगा। पर अपने अंदर रखूं ना कुछ भी, बात कर लूंगा। जो होता है सो हो जाए, हाँ झगड़ लूंगा। ओ पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। मजबूरी मैं तुझसे ना डरूंगा, लाचारी मैं तुझसे ना डरूंगा। जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी मैं तुझसे ना डरूंगा, बेचैनी मैं तुझसे ना डरूंगा। जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। निराशाएं मैं तुझसे ना डरूंगा, मायूसी जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। बेबसी मैं तुझसे ना डरूंगा, बेचैनी मैं तुझसे ना डरूंगा। जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा। हिम्मत ना कभी भी हारूंगा, मैं लड़ लूंगा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? फिलहाल अभी तो बज गए 5:15, दोपहर के 5:15। तो अभी अभी उठाऊ मैं, क्योंकि कल रात भर हम नहीं सो पाए थे मार्केट में। मार्केट में रात को गोभी मतलब बेचते तो नहीं सोना पड़ता है, और सोने के लिए वहाँ पर थोड़ी सी मतलब जगह भी नहीं होती। पूरा नागपुर का वो मार्केट इतना बड़ा है ना, रात में लेन देन सब होता है वहाँ पर, तो रात भर हम सो नहीं पाए। इसलिए हमने थोड़े थोड़े व्लॉग शूट किए और बोल भी नहीं पाए। अनकंफर्टेबल लग रहा था मतलब बोलना, क्योंकि सभी बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े लोग थे हमारे साथ। बड़े बड़े लोग मतलब कोई हमारे मतलब हमारे बैच का नहीं था, या ऐसा कह लो कि हमारा साथी नहीं था, इसलिए नहीं बना पाए। कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था, और ऊपर से रात भर सोया नहीं, सो थकान भी थी। इसलिए घर पर आया, नहा धो के फिर खाना खाया और सो गया। तो अभी उठाऊ मैं, और बादल आ चुके हैं, देखो चारों तरफ बादल है। कल से तो बारिश बता रही थी, तो ऐसा लगता कि हाँ सच में कल से बारिश होगी, पूरे बादल तो आ चुके। और हाँ एक बात बताना चाहता हूँ मैं, नागपुर का मतलब वो मार्केट सिस्टम है ना किसानों के लिए, वो बहुत बेकार है। यहाँ वहाँ से पूरे किसानों को मतलब ऐसा लूटने के लिए बैठे ना वहाँ पर। मैं एक बात बता दूँ, देखो इतनी बारिश है, इतनी बारिश में किसानों ने गोभी
ठीक है कैसे वैसे भी करके फवारा मार के, इतना फंसने में फवारा मार के, घाट डाल के, पानी ओल के, और जब पानी आ रहा था तो दूसरे फवारे मार के बचा लिया गोभी को। हाँ इतना मतलब इतना इतना मुश्किल में बचाया, और जब मार्केट में लेकर जाते तब किसानों को भाव भी नहीं पता चलता कितने भाव में बिके। वो कब पता चलता है, जब पट्टी बनाते ना तब, वो बताते भी नहीं कि कितना भाव गई है गोभी। वो ऐसा कान कान में मतलब बोलते हैं कि ले लो फिर बता देंगे। अगर 40 42 45 जाते तो 38 37 ऐसा लिख देते, ऐसा लिखते हैं। मैंने मतलब देखा है, महसूस किया है कि किसी को नहीं बताते वो भाव, वो अपने कान कान में ऐसे ऐसे ले लो फिर लगा देंगे बराबर। और एक बात बताओ, वो व्यापारी तो उनके होंगे ना, क्योंकि देखो हमारा काम क्या है किसानों का, उनके पास माल लेकर जाना और माल बेचना, माल वो बेच देते और पैसे देते, हमारा काम तो खत्म। लेकिन पैसों की जो लेन देन होती है वो तो व्यापारी से होती ना, व्यापारी तो उनको पैसा देते, तो उनका बहुत बड़ा बहुत अच्छा बॉन्ड होता है व्यापारियों के साथ, तो उनको कैसे फंसाएंगे, वो तो किसानों को फंसाएंगे ना, बहुत बहुत फंसाते किसानों को। एक कट्टे का 1 किलो वजन काट देते वो ऐसा बोलते कि मतलब शेष लगता है ऐसा कुछ। मैंने पूछा आज, मतलब मैंने कहा क्यों 1 कट्टा वजन, मतलब 1 किलो क्यों काट रहे हो वजन कट्टे का, वो बोल रहे थे कि हमको बाजार भाड़ा देना पड़ता है, ये देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। मैं बोलने वाला था कुछ, लेकिन छोड़ो, मुझे घर से वार्निंग आ जाती, मतलब घर से वार्निंग दे देती कि वहाँ पर किसी को कुछ नहीं बोलना है। घर से ही बता दिया था कल पापा ने कि किसी को साथ कोई भी झगड़ा नहीं करना है, जैसा बेचते बेचना है, पैसे लेना और घर पर आना है। मुझे बुरा उन्हें पता है कि ये कुछ भी बोल देगा, मुझे बुरा कब लगा। देखो 35 किलो का कट्टा होता है एक, तो 1 किलो वजन माइनस कर लेते। मैंने पूछा क्यों माइनस किया, तो बोल रहे थे कि बाजार भाड़ा लगता है, ये भाड़ा लगता है, तो वो कहाँ से काटेंगे। अब आप सोचो आग पर आते 200-250 कट्टे, एक कट्टे का 1 किलो, तो 250 किलो हो गए, 200 किलो पकड़ लो, साधारण हिसाब कर लेते। और अभी करंट भाव चल रहा है 35 रुपये किलो गोभी का, वैसे तो 40-45 चल रहा है, लेकिन वो 35 में किसानों को दे देते, चलो तुम खुश रहो जाने दो, तो 35 धर लेते 35, ठीक है। तो 35 × 70 मतलब 7000 रुपये, सिर्फ 7000 रुपये 200 कट्टे के होते एक दिन के, ऐसे 7 दिन धर लो, वैसे 8 दिन रहते लेकिन 7 दिन धर लो, एक दिन मार्केट बंद रहता है, 7 दिन की कितने में, साथ ही अकाउंट बनना, मतलब 49,000 रुपीज, ठीक है, एक हफ्ते के, ऐसे 4 हफ्ते होते हैं, 49,000-50,000 धर लो लगभग, मतलब 2 लाख उनको ऐसा कुछ बाजार भाड़ा भरना पड़ता है, ऐसा उनका कहना था। मैं तो हिसाब करके उनको बताने वाला था कि इतना भरते होगा बाजार भाड़ा, कितना चूतिया बनते हो किसानों को, लेकिन यार पावर नहीं हमारे पास एक तो मेन बात ये, जब पावर आ जाएगा ना तब तो इनकी वाट लगानी पड़ेगी, क्योंकि किसान बहुत जुल्म सहता आ रहा है। मतलब किसानों को उनको पता है किसान एजुकेटेड नहीं, इलिटरेट है, उनको पता है कि किसान नहीं बोलेगा हम ये बता देंगे वो बता देंगे, किसानों को क्या ही बता। सबसे ज़्यादा मूर्ख तो किसानों को ही बनाते ना, दुकानदार किसानों को मूर्ख बनाते हैं, फिर बाजार में वो किसानों को मूर्ख बनाता है। मतलब अब बेकार कंडीशन आ गई किसानों को, तो फिलहाल तो यही। और जितने भी हमने शूट किए थे घर आने तक, वो तो मैं डाल दूंगा पूरे बीच में, और गाने भी बज रहे देवी माता के, देखते आज कौन सा कार्यक्रम है। कल तो दसरा है, दसरा भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इंडिया का, तो कल भी हम दिखाएंगे, देखना कल का व्लॉग बहुत बढ़िया होगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। और हाँ बताते रहना कि ब्लॉग कैसा है, अगर आप कहीं भी बुरा लगता है ब्लॉग, मतलब अच्छा नहीं लगता, तो वो भी कमेंट में बताना, हम ट्राई करेंगे उसे सुधारने के लिए, तो बने रहिए इस व्लॉग में।
फिलहाल दोस्तों मंदिर में तो भजन चल रहा है, लेकिन कल दिन बराबर नींद नहीं गई थी तो इसलिए थकावट से महसूस हो रही है, तो जल्दी सो जाते हैं क्योंकि आँख ऐसे मतलब जल रहे अंदर से, तो सो जाते हैं। तो इस व्लॉग को ये एंड कर देते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जय हिंद जय भारत। सगळ्याले कोण आले? नाव तर घे। राकेश, पवन, किरण। ओके। आणि नाही बसवलं तर? नाही बसवलं तर बसूनच। नाही बसवलं तर? नाही बसवलं तर नाश्ता 10 रुपयाचा नाश्ता मग? नाही ठीक आहे का? 10 10 15 रुपयाचा नाश्ता 15 15।